सत्य कहो पुरु, तुमने मुझे वचन दिया है। उत्तर दो राजकुमार पुरुषोत्तम। भय मत करो पुत्र, बोलो पुरु। सत्य यह है महाराज कि कनिष्क पर आक्रमण मैंने किया था। लीजिए महाराज पंगी, कहानी फिर से बदल गई। पर क्यों, कारण क्या है? प्रतिशोध। क्योंकि जब मैं दस्यु रूप में पांडव राष्ट्र आया तब कनिष्क ने मेरी पीठ पर पीछे से प्रहार किया। सुना महाराज बमनी, दस्यु, ये दस्यु है, लुटेरा है, कद्दार है। अब तो सच सामने आ गया महाराज, क्या अब भी आप फैसला नहीं सुनाएंगे? अपना अपराध स्वीकारा है राजकुमार पुरुषोत्तम, कि तुमने ना केवल राजकुमार कनिष्क पर प्राणघातक हमला किया बल्कि पौरव भंडार और फारसी जहाजों को लूटने में दसियों की सहायता की। इसलिए हम पौरव राज बमनी तुम्हें देशद्रोही मानते हुए दंड का आदेश देते हैं। राजकुमार पुरुषोत्तम को अन्य देशद्रोहियों के समान दंड मिले, और वो दंड है सारी प्रजा के मध्य फांसी। इसी क्षण विश्वास कीजिए महाराज, मैं देशद्रोही नहीं हूं, नहीं हूं मैं देशद्रोही। देश
वास्तविक देशद्रोही फारसी है जो हमारे देश को लूटना चाहते हैं। यदि आप नहीं जागे तो हमारे देश को लूट लेंगे, हमारे देश पर अधिकार करेंगे। महाराज जागिए। महाराज महाराज विश्वास कीजिए, ये फारसी मित्रता का मुखौटा पहनकर बैठे हैं। महाराज महाराज सत्य को पहचानिए। महाराज ये फारसी आपके मित्र नहीं है, आस्तीन के सर हैं ये महाराज, जो एक दिन आपको ही डस लेंगे। महाराज विश्वास कीजिए महाराज, जिनके साथ आप संबंध जोड़ना चाहते हैं वो हम सबको बंदी बनाना चाहते हैं। महाराज कहीं 21 वर्षों की आपकी इस भूल का परिणाम हमें 21 शताब्दियों तक ना भुगतना पड़ जाए। महाराज 21 शताब्दियों तक ना भुगतना पड़ जाए। महाराज 21 शताब्दियों तक ना भुगतना पड़ जाए। महाराज मैंने ये नहीं कहा कि वो भारत में मारा जाएगा, लेकिन हाँ वो भारत से लौटकर कभी नहीं आएगा। आपके चेहरे पर शिकन अच्छी नहीं लगती माँ, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं अलेक्जेंडर, बेटे की खुशी देखकर माँ के चेहरे पर भी खुशी की शिकन आ जाती है। शाह वो नहीं जो सल्तनत को जीते, शाह वो है जो सोच को जीत ले। थीप्स की तबाही मेरे और मैसेडोनिया के लिए पूरे ग्रीस की सोच को बदल देगी। कल जो हमसे बगावत कर रहे थे वो अब जंग में मैसेडोनिया के लिए लड़ेंगे। 1 हफ्ते में हम फारस पर फतेह के लिए कूच करेंगे। सफर लंबा होगा और जंग मुश्किल,
पर तारीख के सीने पर निशा छोड़ने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फारस पर फतह के बाद हम आगे बढ़ेंगे वापस मैसेडोनिया की ओर। क्योंकि फारस दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत है और उस पर फतेह के बाद अलेक्जेंडर वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा शाह होगा और मैसेडोनिया दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत। इसीलिए हमें दुनिया के किसी छोटे मोटे मुल्क पर हमें वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कह रही हैं मां? आप ही का ख्वाब था भारत पर कब्जा करने का और अब मैं ही कह रही हूं कि तुम भारत की ओर नहीं जाओगे। मैं कुछ समझा नहीं। इतना समझना काफी होगा अलेक्जेंडर कि तुम भारत की ओर कुछ नहीं करोगे। ये तुम्हारी मां का ही नहीं मैसेडोनिया की मलिका का हुक्म है। और इस बारे में मैं कोई और सवाल जवाब नहीं चाहती। जंग से लौटे हो, थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। कोई बात तो जरूर है, मां बेहद परेशान है। मुझे जानना होगा कि मेरी गैर मौजूदगी में यहां हुआ क्या है। क्षमा चाहता हूं मैं, हस्ती का नाम नहीं ले पाया। क्योंकि मेरे पापा का परिवार और उनका नाम समाप्त हो जाता। मैं
जानता हूं कि आप क्रोधित हैं मां। नहीं पुरु, तुमने जो कुछ भी किया वो उचित किया। हाँ पुरु, भूल तो मुझसे हुई, क्या करूं, मां हूं ना, तुम्हारी ममता ने मुझे विवश कर दिया। मैं वो भविष्यवाणी भूल गई जो तुम्हारे लिए की गई थी कि मेरा पुत्र दूसरों की पीड़ा समझेगा, अपनों के लिए रक्षक बनेगा। आज तुम्हारे इस निर्णय ने मुझे स्मरण करवा दिया पुरु। एक रक्षक किसी के लिए भक्षक नहीं बन सकता। मुझे तुम पर गर्व है पुरु, गर्व है तुम पर मुझे। ये मां तुम्हें तुम्हारे चयन किए गए मार्ग से नहीं रोकेगी, परंतु ये मां तुम्हें एक सीख भी देना चाहती है। जीवन में कठिन समय में यदि तुम्हें कोई मार्ग ना दिखाई दे तो मार्ग ढूंढने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, अपना मार्ग स्वयं ही बना लेना चाहिए। और मुझे विश्वास है जिसने अपनी भाई की रक्षा की वो भारत की रक्षा का मार्ग भी अवश्य बनाएगा। आप सभी को भी यही लगता है कि मैं एक देशद्रोही हूं और मैंने अपनी मातृभूमि के साथ छल किया है तो यही सही, मैं हूं एक देशद्रोही। बस जानना चाहता हूं
कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप ज़ियूस के बेटे को आगे बढ़ने से रोक रही हैं? उन्होंने कहा कि अगर तुम भारत गए तो मैसेडोनिया फिर कभी नहीं लौटोगे।